यह है नारगोल बीच जो गुजरात में है। जादीराणा होटल, जय जादीराणा संजान के पास है होटल। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया खाना है यहाँ पे, वेज रेस्टोरेंट है ये अपना ग्रे विजन। तो चलते हैं यहाँ से वापस नारगोल बीच और वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं ग्रे विजन में। लास्ट वीडियो देखा होगा दोस्तों, हमने विजिट किया था माँ महालक्ष्मी मंदिर डांडू रोड। तो वहाँ पे आपने देखा नहीं है तो देखे ज़रूर, माना जाता है सुख संपत्ति और बरकत मिलती है। बाद में लास्ट में हमने यहाँ पे होटल में खाना खाया। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे आप यहाँ पे स्टॉप ले सकते हैं और यहीं से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। और अभी जा रहे हैं हम लोग यहाँ से नारगोल बीच जो गुजरात में है, बहुत ही खूबसूरत बीच है। महालक्ष्मी मंदिर से नारगोल बीच 50 किलोमीटर दूर है और तकरीबन एक घंटे का रास्ता है। नारगोल बीच पहुंचने के लिए रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, आपको ड्राइव करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ये आ गया है संजान और संजान से है उमरगांव 9 किलोमीटर और नारगोल है 14 किलोमीटर। तो नज़दीकी है फ्रेंड्स, जल्दी पहुंचने वाले हैं हम लोग नारगोल बीच। होटल में जहाँ खाना खाया था हमने, होटल जादीराणा, वो संजान के महान हिंदू राजा थे जादीराणा। तो ये है संजान, संजान टाउन है और संजान में बहुत पारसी लोग रहते हैं। गुजरात में गुजराती जब भी पढ़ते थे तभी उसका जो लेसन है उसमें संजान का भी ऐसा लेसन आता था, आपको याद ही होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंचने वाले हैं नारगोल। आ गया है देखे साइन बोर्ड, आगे से लेफ्ट है और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो अपनी जो एलेक्सा है उसने भी बोल दिया है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। और ये आ गया है नारगोल गांव, देखे बहुत ही खूबसूरत गांव है। और लेफ्ट साइड पे देखे बहुत ही खूबसूरत तालाब है। नारगोल गांव गुजरात का एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जो समुन्द्र किनारे पर बसा हुआ है। ये आ गया है शायद मेन मार्केट, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आ गया है दोस्तों नज़दीक में है, आगे से राइड लेना है, अभी यहाँ से 200 मीटर है। तो फाइनली फ्रेंड्स आ गए हम लोग नारगोल बीच, यहाँ से राइट टर्न लेना हमको और सीधा हम लोग जाएंगे नारगोल बीच के पास। देखे फ्रेंड्स नारगोल बीच रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट वेज एंड नॉन वेज, यहाँ से जाएंगे सीधा राइट टर्न और लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ग्राउंड वहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। और हम लोग आ गए हैं नारगोल बीच, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। Take the next right, then slide right. आ गए हैं नारगोल बीच, तो जो अपना ग्रे विजन है उसको यहीं पे पार्क करते हैं, देखते हैं अगर आगे जा सकते हैं तो जरूर जाएंगे। तो चलते हैं थोड़ा देखते हैं, अगर रास्ता है तो जाएंगे, रास्ता है बंद फ्रेंड्स। तो जो अपना ग्रे विजन है उसको यहीं पे पार्क करना पड़ेगा, तो ग्रे विजन को करते हैं पार्क, उसके बाद चलते हैं बीच पे। ग्रे विजन को पार्क किया है यहाँ पे और चलते हैं हम लोग बीच के पास, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको। यह है नारगोल बीच जो गुजरात में है और हम लोग आए हैं डहानू रोड से महालक्ष्मी मंदिर से
तो यहाँ पे अपने जो गृह विजन है यहाँ पे पार्क किया है, देखे फ्रेंड्स, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और ये जो खुला हुआ ग्राउंड देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, वो ग्राउंड में शूटिंग होता रहता है बॉलीवुड का, टॉलीवुड का। लास्ट टाइम आए थे हम लोग तो यहाँ पे शूटिंग हो रहा था चंद्रकांता का, तो अभी कुछ है नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया बीच है। आपको बीच पे चलते हैं और दिखाते हैं नज़ारा, 360 व्यूज़ आपको दिखा देते हैं। देखे फ्रेंड्स 360 व्यूज़, उसके बाद चलते हैं बीच पे। तो चलते हैं फ्रेंड्स बीच पे और दिखाते हैं बीच का नज़ारा। तो ये है नागोल बीच, यहाँ पे आप अपना जो कार है बाइक है पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है और देखिए ये ग्रेबियन को यहाँ पे पार्क किया है स्विफ्ट कार। यहाँ पे आपको जो है दुकान शॉप थोड़ी बहुत है यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे एक भाई है, उनसे बात करते हैं। और ये रहे जिनके पास यहाँ पे ठंडा पानी बोतल, अपना जो भी है कोल्ड ड्रिंक्स, वो सब मिल जाएगा आपको यहाँ से। वड़ा पाव, भजिया, चाय, ये सब मिलते हैं। और बहुत से लोग आते हैं बॉम्बे से, आते हैं अहमदाबाद से, दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए बीच पे, और सबको बहुत पसंद आता है बीच। ये बीच है, बीच में नागोल बीच में यहाँ पे शूटिंग भी होता रहता ना बॉलीवुड टॉलीवुड का। यहाँ पे देखते हैं वो राम सेतु का हुआ, अक्षय कुमार जैकलीन आए थे, दो सप्ताह हुआ, एक सप्ताह में चार दिन, एक सप्ताह में तीन दिन शूटिंग हुआ। बीच में बीच के अंदर भी हुआ शूटिंग, सेतु बनाया था, और बाद में ग्राउंड पे हुआ शूटिंग, और फोरस वगैरह बहुत अच्छी जगह शूटिंग हुआ है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे आपका अक्षय कुमार का लास्ट मूवी राम सेतु जो आया ना है, उसका शूटिंग हुआ है यहाँ नागोल बीच। ठीक है, यहाँ का नज़र आएगा, बीच पे भी हुआ है, ग्राउंड पे भी हुआ है। बराबर सामने ग्राउंड है जो भाई बोल रहे हैं, सामने ग्राउंड है, ये सामने ग्राउंड पे भी शूटिंग हुआ है राम सेतु का, जो कि अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस है। और यहाँ पे आप घूमने के लिए आ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स 360 व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात के कई सारे शहरों से आते हैं घूमने के लिए, तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे। वेडिंग के लिए तो हमेशा तीन चार पार्टी डेली आती ही रहती है। और ये जो भाई है, क्या नाम है आपका? भरत भंडारी। भरत भाई भंडारी जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्री शूटिंग आपको करना है वेडिंग का या फिर एंगेजमेंट का, जो भी है शूटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, आप यहाँ पे आ सकते हैं शूटिंग के लिए। तो आपको दिखाते जाके बीच का नज़ारा, और देखिए आप यहाँ पे ज़रूर आए और विजिट करें बीच का, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बीच का। सामने ही है बीच, और लेफ्ट साइड में देखिए बहुत ही बढ़िया ट्री बना हुआ है, जो कि अभी बारिश का टाइम है। ये बारिश के टाइम में ऐसा है, लेकिन बारिश ख़त्म होती है तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर हो जाता है। ये बहुत साफ कर देते हैं इनको, जो झाड़ियाँ लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बीच है, ज़रूर आए यहाँ पे। तो देखे सामने ही दिख रहा है बीच, और समुंदर दिख रहा है आपको, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ देखे फ्रेंड्स, वाओ, व्हाट अ बीच। लोकेशन देखे एक से बढ़िया एक लोकेशन है यहाँ पे, जो बॉलीवुड टॉलीवुड का यहाँ पे शूटिंग होता रहता है। लास्ट शूटिंग हुआ था अक्षय कुमार का, जैसे भरत भाई बताया, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा फ्रेंड्स। देखिए 360 व्यूज दिखाता हूँ आपको मैं, वाह। यहाँ पे नहीं आए तो आपने क्या देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे जरूर आए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे आने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन है संजान उमरगाम, और एयरपोर्ट है सूरत, जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, और नज़दीक में दूसरा है महाराष्ट्र मुंबई, तो ज़रूर विज़िट करें। और बाय रोड तो फ्रेंड्स आप कहीं से भी आ सकते हैं, आपको बस आसानी से मिल जाएगी।
नारगोल बीच, बहुत ही खूबसूरत बीच है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे ज़रूर आए, एंजॉय करें, एक नंबर बीच है। और यहाँ पे देखे ट्रीज, देखे क्या लोकेशन है, क्या ट्रीज है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अगर आप यहाँ पे नहीं आए तो आपने बहुत ही बढ़िया प्लेस मिस किया है, तो यहाँ पे ज़रूर आए और विजिट करें नारगोल बीच। सामने का नज़ारा भी दिखाता है फ्रेंड्स आपको, जो समुंदर है बीच। देखें फ्रेंड्स, नज़दीक में ये है ब्रिज, जहाँ से हमने ग्रे ब्रिज को पार किया वहाँ से 500 मीटर भी नहीं रहेगा और आप समुद्र बीच के पास, समुद्र के पास पहुँच जाओगे। देखें फ्रेंड्स, ऐसे एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। वाह, मज़ा आ गया यार, मज़ा मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया बीच है। चलते हैं बीच के किनारे। देखे फ्रेंड्स बीच का नज़ारा, देखे 360 व्यू दिखाता हूँ आपको। समुंदर किनारे का नज़ारा देखे और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर आए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। पिकनिक के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, यहाँ पे आप प्री शूट कर सकते हैं, प्री वेडिंग शूटिंग, वेडिंग शूटिंग, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे आपका जो है शूट बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे लास्ट राम सेतु मूवी, जिसमें अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस है, उनका शूटिंग यहाँ पे हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है, आप यहाँ पे ज़रूर आए। देखिए बहुत ही खूबसूरत बीच है, फैमिली के साथ यहाँ पे वन डे पिकनिक के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, ज़रूर आए दोस्तों। मज़े करते हुए विजिटर्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही बढ़िया बीच है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बीच है। अभी 1 बजे है दोपहर के, लेकिन लगता नहीं है कि दोपहर के 1 बजे, इतना अच्छा वेदर है यहाँ का, आपको पता ही नहीं चलेगा इतना अच्छा वेदर है, ज़रूर विजिट करें। ये बीच नहीं देखा तो फ्रेंड्स आपने खुद नहीं देखा, यहाँ पे ज़रूर आए, ज़रूर विजिट करें, बहुत ही खूबसूरत बीच है फ्रेंड्स। कैसे देखें बीच पे एंजॉय कर रहे हैं लोग। बहुत ही लंबा बीच है, बहुत ही दूर तक फैला हुआ है बीच, आप तकरीबन 3-4 किलोमीटर लंबा होगा, जैसे दिख रहा है वैसे 3-4 किलोमीटर लंबा होगा फ्रेंड्स यहाँ से बीच। तो यहाँ पे विजिट ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा शूटिंग के लिए, प्री शूट के लिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है, आप यहाँ पे ज़रूर आए और विजिट ज़रूर करें, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। रेत है फ्रेंड्स, रेत, पूरा रेत में आप लिख सकते हैं नाम। अमेजिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग, अल्टीमेट। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दे, ताकि आपको ऐसे ही खूबसूरत वीडियो मिलती रहे। और यहाँ पे बहुत एंजॉय करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो ये जो है वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो यहीं से वापस स्टार्ट करेंगे। बहुत ही घूमने वाले हैं यहाँ पे बीच, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया बीच है। ऐसे ही खूबसूरत वीडियो होने वाला है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।